दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने सीएसके के लिए बनाया ऐसा स्पेशल रिकॉर्ड जो एमएस धोनी, सुरेश रैना भी नहीं बना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बगैर वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की नाबाद 62 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत 3 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग ने किंग्स इलेवन पंजाब को रविवार को 9 विकेट से हराकर आईपीएल 13 से विजयी विदाई ली और पंजाब को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पंजाब को प्लेऑफ की होड़ में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन पंजाब को निराशाजनक बल्लेबाजी का नुकसान उठाना पड़ा। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गायकवाड़ ने 49 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 62 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो सीएसके की तरफ से खुद कप्तान एमएस धोनी, टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सुरेश रैना या अन्य धुरंधर बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। दोस्तों इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 3री बार अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आईपीएल में लगातार 3 मैचों में 50 जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मैच से पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ नाबाद 65 रन और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 72 रनों की आकर्षक पारी खेली थी। खास बात यह भी है कि उनकी तीनों 50 टीम के काम आई और हर बार टीम मैच जीतने में सफल रही। साथ ही तीनों मर्तबा उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इससे पहले पंजाब ने दीपक हुड्डा नाबाद 62 के शानदार अर्धशतक से 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, लेकिन यह स्कोर ऐसा नहीं था कि चेन्नई को कोई परेशानी हो पाती। चेन्नई ने गायकवाड़ के नाबाद अर्धशतक से 18.5 ओवर में 1 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरह टूर्नामेंट से विजयी विदाई ली और साथ ही यह संकेत भी दे दिया कि वह अगले साल भी आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलेंगे। चेन्नई ने प्लेऑफ की होड़ से बाहर होने के बाद लगातार 3 जीत हासिल की। चेन्नई ने इस दौरान बेंगलोर, कोलकाता और पंजाब को हराया। चेन्नई ने टूर्नामेंट का समापन 6 जीत 8 हार और 12 पॉइंट के साथ किया। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।